अर्जुन राम जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, शुभकामनाएं इस योजना चलाने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बीकानेर से दे रहा हूँ, बीकानेर की जनता की तरफ से दे रहा हूँ आपको। धन्यवाद भैया। हाँ बताइए, यहाँ कौन बात करेंगे? नमस्कार मोदी जी। नमस्कार, नमस्कार जी। नमस्कार, प्रणाम प्रणाम। मैं करणी सिंह राठौड़ नोखा बीकानेर से, मैं एक 12,000 रुपए की नौकरी करने वाला, प्राइवेट किराने की दुकान में नौकरी करने वाला आदमी, जो 10,000 रुपए की पहले खर्चे की दवाई लेता था, वो अब मेरे को 1,000 से 1,200 रुपए में मिल रही है। ये मेरा छोटा बच्चा है, इसको ब्रेन की प्रॉब्लम है जन्म से, और 10,000-8,000 रुपए लगभग महीने के लगते थे, कभी मिस करता था तो 6,000 रुपए, और मिस करनी पड़ती थी क्योंकि 12,000 रुपए में पॉसिबल घर का खर्चा और दवाई मैनेज नहीं कर पाता था। मैं मोदी जी आपका बहुत बहुत आभार, जो मेरे इस बच्चे को तो 10,000 रुपए की दवाई, 10,000 की दवाई जो मेरे को 1,000 से 1,200 रुपए में मिल रही है, और ये मेरा बच्चा जो आपको जिंदगी भर आपका इसके ऊपर आशीर्वाद रहेगा मोदी जी, ये आपको प्रणाम कर रहा है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? कर रहा है बेटा, नाम क्या तुम्हारा? लोकेंद्र सिंह राठौड़। अच्छा, आपका नाम लोकेंद्र सिंह है जी। तो ये दवाई ठीक से लेते हो? दवाई ठीक से लेते हो जी सर। और कोई योगा वगैरह करते हो क्या? यस सर। हैं? देखिए, तबीयत संभालने के लिए दवाई के साथ भी बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि इस योजना के कारण आपके हर महीना कितना रुपया बच रहा है भैया? सर अब मेरे को 8 से 9,000 रुपए बच रहे हैं, पहले 8 से 10,000 रुपए खर्चा होता था, 10-12,000 रुपए किराने की दुकान में कमाई करने वाला मैं बंदा, जो पहले मैनेज नहीं कर पा रहा था इस दवाई को, और अब यही दवाई मेरे को बीकानेर के पीबीएम सेंटर से, जो प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से 1,000 से 1,200 रुपए मिल रही है। मैं इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा, और इतना पैसा आपका बच रहा है, लेकिन दवाई से संतोष है आपको? जी सर, वही साल्ट वही दवाई, और अपने यहाँ कुछ लोग आपको मिले होंगे कि नहीं ये मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, ये तो फालतू दवाई दे रहे हैं, हमारी दुकान वाले पहले वाली ले लो, ऐसा भी तो कुछ लोग करते होंगे। जी सर, जो अब मेडिकल के व्यापारी है वो तो बोलेंगे क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही है। नहीं, हमें किसी की दुकान बंद नहीं करनी है भाई, हमें तो गरीब को ये, क्योंकि जिसके घर में ऐसी बीमारी होती है जिसको हर महीना खर्च होता ही होता है, अगर उस परिवार के हम मदद नहीं करेंगे तो वो या तो दवाई बंद कर देगा या तो फिर कर्जदार बन जाएगा। तो हमारी इस योजना का फायदा हर एक को मिले दिशा में है। अच्छा, आपने इतना फायदा हुआ तो और ऐसे बीमार लोग हैं क्या, उनको बताया कि भाई देखिए आप इतना खर्चा मत करो, ये दवाई लेने से, इस दुकान से लेने से पैसा भी बचेगा और सही दवा मिलेगी, ऐसा कुछ प्रयास किया क्या? जी सर, मैं ये खुद बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि गरीब तबके के जो लोग हैं, जो दवाई मैनेज नहीं कर पा रहे भारी पैसे की, उनको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दवाई लेने में फायदा है, और मेरी ये आशा है कि जो भी छोटे मोटे अस्पताल है वहां आप जन औषधि केंद्र उसी हॉस्पिटल में खोल दें, ताकि हर गरीब को, हर आदमी को फायदा मिल सके। मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। आपकी आपकी क्या दुकान है? सर मैं किराने की दुकान में नौकरी करता हूं। आपकी किराने की दुकान पे बोर्ड लगा सकते हो आप? जी सर जरूर लगाऊंगा, मैं तो हाँ, मुहिम छोड़ूंगा, ताकि आपके यहाँ किराने की दुकान में जो लोग आए वो भी उनको पता चले कि देखो भाई किराने की दुकान से हम अपना सामान तो ले रहे हैं, लेकिन अगर दवाई लेनी है तो यहाँ जाइए ताकि सस्ती दवाई मिलेगी, ये उनको समाचार मिलेगा। तो ये करोगे आप? जी सर जरूर कहूंगा, और मैं तो ये टीम बनाऊंगा कि नामुमकिन भी अब मुमकिन है, हर बीमार को दवाई मिले, हर बीमार को दवाई मिले, इलाज यहाँ पर। यहाँ दुकान चलाने वाले कौन सज्जन है, किसकी दुकान से आप माल लेते हैं? मनोज अभी पीबीएम में जो अभी अपने हॉस्पिटल में है, और वैसे हमारे सुपरिटेंडेंट साहब बैठे हैं यहाँ, लोकप्रिय हमारे यहाँ सांसद साहब जी बैठे हैं, जो हमारे को बहुत नहीं, मुझे बताइए जिसकी दुकान है
मैं जरा उनसे बात करना चाहता हूँ। जी सर करिए। हाँ बताइए भैया, क्या नाम है? बोलो बोलो आप बोलो। नमस्कार मोदी जी। नमस्ते भैया। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मनोज गर्ग सर। मनोज जी, आपके अपना ये दुकान है? नहीं सर। तो आप क्या करते हैं? सर मैं फार्मासिस्ट हूँ यहाँ। अच्छा फार्मासिस्ट है, लेकिन इस जन औषधि केंद्र की जो दुकानें हैं उसका कोई काम आप देखते हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। लोग वहाँ जाए हॉस्पिटल में ऐसा दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल से सीधे इसके यहाँ जाए इसका प्रयत्न करते हैं? सर ये अपना हॉस्पिटल कैंपस में ही है जन औषधि केंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।